अमल आप प्लीज थोड़ा सा बताएं और जूजू कि जो ब्राइड शादी के बाद 1 करोड़ डिनर्स और लंचेस का सिलसिला शुरू हो जाता है तो नई दुल्हन चले गए आफ्टर द विलीवा उसी रात को अपने फ्लाइट पकड़ी और कहां गए आप क्योंकि अभी हम भी आपकी बात पे ही दिखाएंगे जाके हनीमून डेस्टिनेशन आप कहां गए वी वेंट टू थाईलैंड वी वेंट टू कोलक Phi Island, Koh Samui or Bangkok. Very nice. That's another hot spot for us Pakistanis. अच्छा तो इसी नोट पे जल्दी से आप जाके देख के आए कि हमने आज कौन सी हनीमून स्पॉट आपके लिए चूज की और जल्दी से वापस आ जाए Newlyweds ने अपना परफेक्ट हनीमून सेलिब्रेट करना हो तो बाली इंडोनेशिया इज द आइडियल लोकेशन यहाँ इतनी वैरायटी अवेलेबल है कि शायद आपका वापसी का मूड ही ना बने कल्चर की बात आती है तो खूबसूरत और एंशिएंट टेम्पल्स हैं जिनमें रॉयल फैमिली का टेम्पल तामान आयून बाली का ट्रेडमार्क है और जहां से बेरेटन लेक का नज़ारा भी कर सकते हैं इनके कल्चरल डांसेस देखने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं कपल्स के लिए ब्रेथ टेकिंग बीचेस पर स्कूबा डाइविंग और बाली हाई क्रूजेस की इंटरेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं वाटर स्पोर्ट्स भी हैं और यहाँ की दिलकश वाटरफॉल्स पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग का एडवेंचर एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है इसके अलावा इनके एलिफेंट केव्स और वॉल्केनो टूर्स भी बहुत फेमस हैं और इनकी टेरेस फार्मिंग और राइस पैडीज इस मुल्क की ग्रीनरी खूबसूरती और साथ क्रिएटिविटी के भी गवाह हैं एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हनीमून रिजॉर्ट होने के बायस बाली में बहुत रीजनेबल पैकेजेस मिल जाते हैं तो सोचना छोड़ें और अभी अपने आइडियल हनीमून के लिए बाली को सिलेक्ट करें तो कैसी लगी आपको वो वेकेशन स्लैश हनीमून स्पॉट और जितनी देर में आप वो देख रहे थे जूजू चली गई है वहाँ पे जरा अपने टचेस ऐड करने शमल अब आप प्लीज कुछ मेकअप लुक्स बता दें कि डिनर्स पे क्या डिफरेंट हर दफा कर लें ब्राइड जो नई ब्राइड हैं I mean, you don't need to always put the eyeliner, or you know, you can use a nice brown pencil, or you know. अच्छा ये भी शामिल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ ये बड़ी एक चीज़ है पाकिस्तान में everybody ends up using the black eye pencil. कभी कोई brown या blue या color pencil और color eye pencil का बहुत fashion है. बहुत fashion है हम लोग लेकिन eye shadow के साथ play कर लेंगे lipstick के साथ कर लेंगे but वही काली Yeah, well, you know, I mean, these days, if you look at the new campaigns, even internationally and stuff, exactly. you know, the liners, people aren't, they're moving away from the liner, maybe just even on the top. Even the mascaras are different colors now. I mean, my thing is just switch it up. Now, you tell us that the bride's after wedding dinner functions, what should they keep in their color palette? What type of cuts should they keep? And what standard should they keep? And what should they keep? I'm of the school of thought that you कभी मत देखा करें कि फैशन क्या है या कलर्स कौन से हैं ऑलवेज लुक फॉर समथिंग दैट सूट्स यू बिकॉज़ जैसे जब शॉर्ट शर्ट का जमाना था तब हमारे बंदा जो कि वापस मेरी तरफ से नहीं आ रहा आई एम नॉट मेकिंग एनी शॉर्ट शर्ट बिकॉज़ आई थिंक आवर वुमेन आवर बॉडी टाइप दे लुक नाइसर इन लॉन्गर लूजर सिलोएट दे लुक मोर ग्रेसफुल दे लुक नाइसर जब शॉर्ट शर्ट्स आई थी एवरीबॉडी वाज वेयरिंग शॉर्ट शर्ट एंड शलवार एंड सम ऑफ देम लुक प्रीटी बैड इवन जो वो खुली शर्ट थी मतलब ऑल उसमें भी बनाने के तरीके होते हैं मैटरनिटी वेयर जो वो एक थी कुछ लोगों को सूट करती है कुछ नहीं करती मोस्ट वुमेन लुक हॉरिबल इन दोस शॉर्ट्स मोस्ट लेकिन जब शॉर्ट शर्ट आप पहनेंगे और स्पेशली अगर फिटेड हो जाएगी तो जो हिप्स पे हैवी हैं उनको बिल्कुल वो सूट नहीं करेगा और अगर लंबी और खुली फ्लोई होगी तो यू नो वो आपके पास जो आपकी ज्वेलरी होती है या women are like all of you would be crazy about your shoes. Some people have shopped for shoes more than their clothes. So I tell them कि आप अपने favorite जूता ले आएं या अपनी jewelry dress के साथ आपने match करनी आप ले आएं. उनके अंदर से भी उनके कॉम्पिटिशन. ये बहुत अच्छी tip है क्योंकि ये tip इतने episodes हो गए मगर miss हो गई ये पहले किसी designer ने नहीं दिया किसी stylist ने कि ऐसे अपने favorite जूता या jewelry ऐसे pieces accessories पिकअप कर लें और उसके साथ जोड़े को बनाए वो डिनर के लिए हो जाए अगर वो उतार के स्कर्ट पहन ले तो वो लंच के लिए भी चला जाए यू नो शूज आपने एक्सपेंसिव बिकॉज जूते आप गोल्ड रेड ब्लैक लाइक एवरीबडी शुड हैव दिस स्टैंडर्ड प्लीज इन्वेस्ट इन गुड comfortable shoes मतलब मुझे पता है कि वो लोग जाते हैं और वो 10 जोड़ों के साथ 10 मैचिंग जूते ले आते हैं ये ना करें एक मतलब डोंट डू दैट जरा थोड़ा सा आप ही एफर्ट कर लें अभी शादी हुई है मतलब एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड लुक इनटू द
functionality of an outfit. So main jab bridals banata hu, I make them in layers. Yeah. Like if I have to make a long coat, then I divide the upper section into an empire waist, make a choli, then make a long coat. So you can wear the coat separately with a trouser and undershirt. You can get a plain sari made with your blouse. You can use it later. Like you don't have to wait for your brother's wedding or anybody's wedding. Because I don't think you should wear it over there. So you know, you should like ye jo abhi aaj bhi ye shirt jo इसके साथ आप प्लेन ट्राउजर आप क्यूलॉट पहन सकते हैं आप. अगेन अ वेरी गुड टिप कि आप अपने जोड़े को इस तरह बनवाएं और इसीलिए डिजाइनर्स इस शो पे आते हैं भाई. आपको इतनी टिप्स मिल रही हैं, अब आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे मेरा ख्याल है इसके बाद कि आप उसको डिफरेंट पीसेस में बना लें. जिसको आप उतारें तो वो कम हो जाए, ड्रेसी पहने तो ज्यादा हो जाए. अच्छा उमर क्या हो रहा है वहाँ पे बता दें. बाद में हमारी शादी हुई और मेरी बाजी का इन लॉज और मेरे इन लॉज एक ही हैं बिकॉज रिश्तेदारी है. जब मरी हम गए हनीमून पे तो स्पेशली वो इवेंट मुझे बहुत याद है. तो पाइन कोन्स जो होते हैं वो दख्तों पे बहुत ऊंचे लगे हुए थे. तो आगा ने वो ना बहुत गहराई में ये गए और कुछ तोड़ के लेके आए. तो मुझे बहुत दिल में ख्याल आता रहा कि अच्छा आदमी होगा, खासी अंडरस्टैंडिंग, बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत खुले दिल के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अदरवाइज बहुत अच्छी. स्टार्ट में प्रॉब्लम आती हैं, ये ज़रा थोड़ी सी नरम मिजाज की, हर एक का अपना अपना एटीट्यूड होता है. मेरे तरह थोड़ा सा गर्म था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ गई मेरी. अब मैं भी वैसे ही हो गई हूँ. एनिवर्सरी क्रीम हो या बर्थडे हो, मुझे इंतज़ार रहता है. सारा काफ़ी टाइम गुजर जाता है, ऐसे लगता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बिल्कुल टाइम पे सब कुछ अरेंज हो जाता है. एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम. 81 में मैं जब सऊदीया से आया तो मुझे पता चला कि बेटी होनी है. ये काफ़ी अपसेट थी बेगम साहब के जी, बढ़ोरी थी कि जी बेटा नहीं हुआ. अल्लाह ताला की देन है, कोई ऐसी बात नहीं. मैं शादी से पहले सऊदीया में था, भाई साहब बहरा, तो आई ट्राई टू बाहर ही रहूँ या मतलब आगे चला जाऊँ, लेकिन मेरी मिसिस को बाहर नहीं पसंद था. मुझे भी फिर हुआ कि अगर इनको नहीं पसंद तो फिर रहना ही चला. आपस में फॉरगिवनेस की, टॉलरेंस की, ये बात मेजर होनी चाहिए. अब जब आप फॉरगिवनेस की गुंजाइश छोड़ोगे तो ऑब्वियसली किसी की ज्यादा को आप लाइट भी फील कर सकते हो, और अगर अपनी वो ईगो में रहोगे एवरी टाइम तो फिर अपने लिए भी नुकसान है. माँ बाप भी बच्चों को पेशेंट्स की तरबियत है. जी ब्राइड हमारी तैयार हो चुकी हैं और जितने एक्साइटेड हम हैं फाइनली अब उतनी ही एक्साइटेड हमारी ब्राइड भी हैं. सो सारा प्लीज कम एंड गिव अस अ रैंप वॉक. दिस इज प्रैक्टिस फॉर द फाइनल डे ऑफ. और इस शो का मोटो ही ये है कि आपकी शादी की तैयारी आपकी शादी से पहले, हर चीज की तैयारी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. लेट्स हैव अ लिटिल क्लैपिंग फॉर द गर्ल. आई ऑनेस्टली थिंक बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो हेयर स्टाइल है इट्स सूटिंग हर एज, इट्स नॉट मेकिंग हर लुक ओल्डर. जो जो आप प्लीज थोड़ा सा इनको गाइड करें कि इन्होंने बैठना कैसे है और ड्रेप कैसे करना है और नीचे से. वाओ वेरी नाइस. फहद आपने इसके नीचे क्या यूज किया जिससे इतनी अच्छी वॉल्यूम आ रही है? आई पुट अ कैन कैन अंडरनीथ इट. It's supposed to keep all the flair in. अच्छा, intact. Intact. That's a very good thing. वरना पता है शरारे बिल्कुल यूं करके चिपक जाते हैं. Especially शुपर. Please देखें कि ये चिपक नहीं रहा, ये बहुत खूबसूरती से खुद ही ड्रेप हो रहा है. और सारा आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, यू आर लुकिंग सो क्यूट, और इतना इनका रिफ्रेशिंग लग रहा है. उमर ने बहुत अच्छा जॉब किया, रूप आ गया, रूप आ गया. इट वाज अ गुड आईडिया कि इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा मेकअप होना चाहिए. एंड शी लुक्स वेरी फ्रेश एंड शी लुक्स हर एज, व्हिच इज व्हाट वी वर एमिंग फॉर. और देखो मेहंदी है सो थोड़े से फूल अपने याद ही है, और कानों की ज्वेलरी के लिए भी जगह छोड़ दिया. आपने जो ये पर्पल फूलों का टच थोड़ा ऐड कर दिया ना, इससे इनके जोड़े का पर्पल और उठ रहा है. और प्लीज देख लें कि ब्राउन से हार्ट अटैक अब आपको नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना फेस्टिव और मेहंदी टाइप लग रहा है, ट्रेडिशनल लग रहा है कि ब्राउन से हार्ट अटैक का कोई सवाल नहीं है.
Juju, आप प्लीज हमें थोड़ा सा क्विक ब्रीफ दे दें कि इनका एग्जैक्ट क्या किया मेकअप के साथ. Well, Anusha, we wanted to keep it very, very soft and natural. So we've done bronze on the eyes. ठीक. A little bit of peachy highlighter. Bronze, yeah, peachy bronze. Almost coppery. ठीक. With highlighter and peach blush on and peach lips. We did a little contouring just to make her face look longer and slimmer. Huh. Yeah. And she's looking stunning. और नाक पीन के बहुत हसीन लग रही है. आपने इतनी अच्छी contouring की है कि दिख नहीं रही, मगर एक एक feature जो है इनका अब निकल के आ रहा है. और इनकी अब देखें, पहले गोल थी और अब जरा लंबी लंबी लग रही है. And I love the fact that the hair is very naturally falling like a side flick. वो भी natural की बात मैंने की थी ना. They look effortless, but yet you know they look very nice. बिल्कुल. The finishing of the hair is really nice. Natural के लिए आपको Tonian guy ही जाना पड़ेगा. Eyelashes. We've added eyelashes, but you can see they're not like bats on her eyes. बिल्कुल. So it's very natural. It's just opening up her eye. आप इतनी नाजुक लग रही हैं, तो आपको प्लीज खोल के बताएं कि कैसा लग रहा है. हाउ एक्साइटेड आर यू? इसका दिल कर रहा है इधर से जाके स्टेज पे बैठ जाए. आर यू ग्लैड कि ये शादी, आर यू ग्लैड कि आप ऑल द वे इस्लामाबाद से लाहौर की आई हैं इस शो के लिए? यू हैप्पी अबाउट दैट? Fantastic. तो मेरा ख्याल है कि माहम को बुलाया जाए और मेरे गेस्ट्स के लिए जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं रिवाज कॉस्मेटिक्स की तरफ से, वो हमेशा की तरह इनको दिए जाएं. फहद क्या करोगे कॉस्मेटिक्स का? I don't think I'm getting it. ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे हर गेस्ट को बहुत ही पसंद आए हैं. और शमल, आप अपने सैलॉन में जरूर यूज कीजिएगा. I'm sure आपके भी क्लाइंट्स को बहुत पसंद आएंगी. और ब्राइड टू बी जो है, आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिएगा. और जिन जिन ब्राइड्स ने अपनी, हाँ, नहीं, आप किसी अपनी आई कैन यूज देम रिश्तेदार को दे दीजिएगा. व्हाई? ये तो मैं दो लेता हूं एज अ सुवेनिर. ठीक है. और जिन जिन ब्राइड्स की शादी और वो कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करी है, वो फौरन जाए रिवाज चक्कर लगाएं. बहुत बहुत अमेजिंग इनके कलर पैलेट्स आए हैं और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. एंड ऑन दैट नोट, खुदाफिज कहने का टाइम आ गया, बट हम फिर से मिलेंगे अगले फ्राइडे इसी शो पे, इसी चैनल पे. और थैंक यू सो मच आमना, फाहद, सारा, जूजू एंड शमल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और सलमान साहब जो कि जा चुके हैं, उनको भी थैंक यू बोल देते हैं. सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. खुदाफिज.